सुरजीत, आप लगातार बोल रहे थे बहुमत मिलेगा, इस आंकड़े की उम्मीद थी? निश्चित उम्मीद थी, क्योंकि मैं फील्ड में घूम रहा था, मैंने 90 विधानसभाओं का कई बार दौरा किया, मैंने कार्यकर्ताओं की नब्ज पहचानी, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजनाएं जो नीचे तक पहुंची थी उसको ढूंढा और यहाँ के भ्रष्टाचार को ढूंढा, इसलिए मुझे पूरा भरोसा था। और मैं पहले दिन आया जब भी मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाएगी और वो आज रिजल्ट आपके सामने है। ये अंडरकरंट क्या लगता है, पहचान क्यों नहीं पा रहे थे लोग, सभी बीजेपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? अब वो तो उनकी बुद्धि का वो जाने, लेकिन मैंने मेरी बात थी जो मैं कह सकता हूँ, नहीं पहचान पाए तो वो भुगत रहे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं पहले मेरा काम होता है संगठन को सक्रिय करना, संगठन को एक्टिव करना, कार्यकर्ता को सक्रिय करना और एग्रेसिव करना। और मैंने पहले दिन कहा था लैंड करते एयरपोर्ट पे आप लोगों को कि मैं चुनाव एग्रेसिव मोड में लड़ूंगा, मैं डिफेंस में चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसका आज परिणाम है। जीत की जो पटकथा कहाँ से लिखनी शुरू हुई थी, कहाँ से शुरुआत की थी आप, क्योंकि बहुत वक्त आपने गुजार दिया और पूरी कहानी लिखी, आज बताइए कि कहाँ से आपने जीत की शुरुआत की पटकथा? ये साल भर हुआ मुझे आप प्रभारी बने, और आते ही आप बैठ करके पता लगा, तो मैं अलग अलग तरह की बैठकें ली, मैंने संभाग वाइज बैठक ली, मोर्चों की बैठक ली, तो मुझे लगा कि नीचे तत्व है, ताना है नीचे, सिर्फ जागृत करने की जरूरत है। और वो हम सब लोगों ने मिलकर के, यहाँ के बीजेपी की पूरी यूनिट ने मिलकर के किया, और हर कार्यकर्ता इस पटकथा में अपना योगदान दिया, इस यज्ञ को मान करके उस जीत के यज्ञ में अपनी आहुति डाली, उसी का परिणाम है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा और उनका विश्वास जो हम पर था, उसका ही परिणाम है। मोदी फैक्टर ने काम किया आपको? मोदी फैक्टर तो हर जगह काम करेगा, पूरे दुनिया में काम करने लग गया आजकल। कल वो यूएन में थे तो 500 देश के लोग उनसे मिलने को आतुर थे, इसलिए मोदी फैक्टर अब इंडिया नहीं, मोदी फैक्टर विश्व भर में काम करने जा रहा है। क्योंकि अमेरिका को कहना पड़ा कि रशिया और यूक्रेन में कोई युद्ध रोक सकता है तो मोदी रोक सकता है, इसलिए मोदी फैक्टर तो हमारा लीडर, हमारा कार्यकर्ता नेता है वो, लेकिन अब वो विश्व के नेता है। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या फार्मूला था आखिरकार, बीजेपी कैसे आ गई? आपसे मैं वही सवाल कर रहा हूं, फार्मूला क्या? मेरा नाम बता देना उनको, वो जानते हैं सब बाहर के लोग सब कि मैं जहां जाता हूं वहां क्या होता है, बस यही बता देना कि पता नहीं उस आदमी के पास क्या है। अब चेहरा कौन होगा, ये सवाल अब अगला करिए उसका, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, हमारा सिस्टम की पार्टी है, पार्लियामेंट बोर्ड हमारा निर्णय करता, पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा या कोई ना कोई पर्यवेक्षक उनका आएंगे, वो पर्यवेक्षक या मजदाक दल की मीटिंग लेंगे, वो तय करेंगे आगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ओम माथुर, जीत की पटकथा लिखी और जीत की गारंटी ओम माथुर है, और एक बार इस बात को फिर से उन्होंने साबित किया है। अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माथुर को, जिन्होंने जीत की पटकथा लिखी ऋतु, और ये ओम माथुर से बात कर रहे थे अभिषेक हमारे सहयोगी। ओम माथुर का वो ट्वीट ऋतु मुझे याद आता है, जब इन्होंने लिखा था एग्जिट पोल आने के बाद, जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार एग्जिट पोल में बनाई जा रही थी, उस एग्जिट पोल को देखने के बाद ओम माथुर ने वो जो ट्वीट किया था वो मुझे याद आता। दिलचस्प बात देखिए, ये सब धरे का धरा रह जाएगा और जनता बीजेपी का साथ देगी। जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या फैक्टर था, क्या फॉर्मूला आपने अपनाया जीत के लिए, तो उन्होंने कहा कि मोदी फैक्टर ही चला है और मोदी फैक्टर पूरे विश्व में चल रहा है, तो राज्य में क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से, और उस बारे में उन्होंने लगातार जिक्र किया, न सिर्फ जिक्र बल्कि इस बारे में वो आश्वस्त थे उस ट्वीट के बाद, जो लगातार एग्रेशन उन्होंने दिखाया है, उस एग्रेशन का ये परिणाम वो बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो एग्रेशन मैंने बनाए रखा और वो जनता तक पहुंचा है और सरकार के खिलाफ लोगों ने जाकर के वोट किया है। और ये एक बार फिर से जो आंकड़े हैं वो हम आपको इस वर्चुअल सेट के माध्यम से दिखा रहे हैं, मध्यप्रदेश की तस्वीरें ऋतु। ये इस वक्त 230 विधानसभा सीटों वाली इस मध्य प्रदेश विधानसभा में 167 सीटों पर लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रचंड बहुमत आई है बीजेपी के खाते में, 62 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस। देखिए इतने दावे वादे सब कुछ किए गए पर वो धरे के धरे रह गए, ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस निकल ली। राजनीति जो है, राजनीति से कहीं ना कहीं हाथ धो बैठे हैं कांग्रेस के नेता, और ऐसी ही तस्वीर दिख रही है हर कहीं। निश्चित रूप से, और ये जो इस वक्त ये आप देख रहे हैं, ये वर्चुअल रियलिटी का सेट जरूर है लेकिन ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। इस वक्त 167 सीटों पर लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें से कई सीटों पर परिणाम स्पष्ट हो चुके हैं, और इसके अलावा जो 62 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, जिसमें अभी काफी सीटों पर रिजल्ट घोषित किया जाना बाकी है, जो जीत का अंतर है वो बहुत कम रह रहा है। और एक और नई तस्वीर हम आपके सामने छत्तीसगढ़ की प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिए 56 सीटों के साथ लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
वहीं 33 के साथ कांग्रेस, कांग्रेस पिछड़ गई इस बार। छत्तीसगढ़ के बारे में बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं गया था। पॉलिटिकल एनालिस्ट लगातार कह रहे थे कि नहीं, यहां पे तो कांग्रेस ही आएगी, वो तरह तरह के कयास लगा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर वो भी धरे के धरे रह गए। पूरी तस्वीर पलट गई इस बार और जिस तरह से बहुमत में बीजेपी आई है सबको चौंका दिया है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से सत्ता में वापसी की है बीजेपी ने, वाकई यहां पर सबको हैरान करने वाली ये तस्वीर है। निश्चित रूप से, और ये जो आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह और उल्लास का ये मौका लेकर आए हैं। और इस बार जो चुनाव का परिणाम है वो निश्चित रूप से एग्जिट पोल के कुछ विरोध में भी रहा, कुछ समर्थन में भी आया। तो ये जो विंध्य सीट की हम बात करें तो विंध्य में 30 सीटों पर जो आंकड़ा है वो दिखा रहा है कि 25 सीटें बीजेपी के, 5 कांग्रेस के और अन्य के खाते में शून्य सीटें गई हैं। 25 बीजेपी के खाते में, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन मतलब बीजेपी ने किया है, साफ तौर से इसे समझा जा सकता है पिछली बार के मुकाबले। यहाँ पर अगर हम बात करें मालवा निमाड़ की बात करें, 66 सीट कुल है यहाँ पर, 49 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। तो वहीं कांग्रेस 16 पर सिमट करके रह गई, अन्य के पास एक गई। यहाँ पर प्रदर्शन बहुत अच्छा था, पिछली बार हमने देखा था किस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था, पर इस बार पलट गई पूरी नैयाई पलट गई, क्योंकि आदिवासियों को लुभाने के लिए हम कहें या आदिवासियों के लिए काम करने के लिए कहें तो वो काम किया गया, इसीलिए तस्वीर बदली हुई नजर आई। ये तस्वीर महाकौशल की हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 38 सीटें बीजेपी के खाते में 23 गई हैं, कांग्रेस के खाते में 15, अन्य के पास कोई सीट नहीं आई है। तो ये अब संभागवार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, विंध्य की हमने आपको तस्वीर दिखाई, मालवा निमाड़ की तस्वीर दिखाई, महाकौशल की तस्वीर आपने देखी। और महाकौशल के बाद अब आगे बढ़ेंगे अगले संभाग की ओर, जो कि ग्वालियर चंबल संभाग है। ऋतु, मुझे याद आता है वो ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में जो बात होती थी वो भी बताएंगे, लेकिन 19 सीटें बीजेपी लेकर आई है, 15 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, 34 सीटों का ये ग्वालियर चंबल संभाग, जहां पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा फैक्टर रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ जब से गए तब से कांग्रेस पार्टी ये जिक्र कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाने के बाद यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जनाधार खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां जनाधार काम कर गया और एक बड़ा फैक्टर बने ज्योतिरादित्य सिंधिया। इतना खास फर्क नहीं देखा हमने चंबल में पिछली बार के और इसके मुकाबले। आगे बात करें बुंदेलखंड की, यहां पर 26 सीटें 19 बीजेपी के खाते में गई हैं, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें गई हैं। यहां पर भी खास प्रदर्शन नहीं रहा, पर हां ठीक है, 7 सीटों पर सिमट करके रह गई कांग्रेस। आगे हम बात करते हैं मध्य की, 36 सीटें यहां पर हैं, बीजेपी के खाते में 32 चली गई हैं, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 जा पाई हैं, यहां पर भी प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा पाई, कांग्रेस आने के खाते में 0। निश्चित रूप से, और ये जो मध्य क्षेत्र की आप बात कर रहे थे, 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जिस पर की प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का यहां पर बेहतर रहा है। और इस प्रदर्शन की आगे जो तस्वीर है ऋतु, कुछ ही देर में और क्लियर हो जाएगी और स्पष्ट यहां पर तस्वीर आएगी जब रिजल्ट्स पूरी तरह से घोषित हो जाएंगे। अभी कुछ कुछ रुझान जरूर बचे हुए हैं। अभी आना और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वो ट्वीट दिखाते हैं, जनता जनार्दन को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम ये बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सुशासन और राजनीति में है, उनका भरोसा बीजेपी में है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया भाजपा पर स्नेह बरसाने के लिए, आपका धन्यवाद, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जनता जनार्दन को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह ट्वीट किया है, जनता जनार्दन को धन्यवाद उन्होंने कहा है एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, भाई बहनों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया, अपना विश्वास जताया, बीजेपी को जिताया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इस पर गृहमंत्री ने ये ट्वीट किया, प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद दिया है और इस विशाल जीत के लिए जनता का आभार कर रहे हैं अमित शाह, जिन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की जीत इसे बताया है। अमित शाह वो रणनीतिकार रहे हैं ऋतु, जिन्होंने की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या कुछ किया ये हम दिखा रहे हैं। और साथ साथ आप देखिए रिएक्शन आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मध्य प्रदेश की जनता को नमन कर रहे हैं जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और बीजेपी की विचारधारा को जनता का समर्थन का उसको प्रणाम कर रहे हैं।
प्रचंड जीत के लिए सीएम शिवराज को बधाई, ये जेपी नड्डा ने कहा है, लिखा है, ट्वीट किया। और लिए चलते हैं आपको, अवंतिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे बात करेंगे। और अवंतिका आपसे कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर यहां दिखाई देंगी और उनसे जानेंगे अभी क्या है जो नए अपडेट्स है, चूंकि लगातार अपडेट्स हो रहे हैं और अभी सीट्स क्लियर हो रही हैं। अवंतिका आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है और क्या कुछ डिटेल, क्या है ताजा जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम उस ट्वीट में होना, मुझे लगता है कि आप भी उस संकेत समझ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश बीजेपी में अब किस तरह की हलचल चलने वाली है। एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि हम उन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं जो ऐतिहासिक इस बार है, ट्रेंड सेटर इस बार है, गोविंदपुरा विधानसभा सीट, यहां से एक ऐसी प्रत्याशी जो कि लगातार 1,00,000 वोटों से आगे चलती हुई आपको नजर आएंगी। इधर रामेश्वर शर्मा की जब आप बात करते हैं कि 67,000 वोटों के साथ लगातार लीड करते हुए हुजूर विधानसभा क्षेत्र से, वो प्रत्याशी का नाम मैं आपको बता देती हूँ, गोविंदपुरा विधानसभा सीट जहां से बीजेपी की प्रत्याशी हैं जो लीड कर रही हैं। साथ ही साथ ये भी है कि 1,00,000 वोटों के साथ जब लीड करते हैं तब आप ये समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात, एक और बड़ा अपडेट बदनावर को लेकर जानकारी, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव हार चुके हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, लीड करते हुए जयंत मलैया आपको नजर आएंगे, कार्तिक हरिशंकर लीड कर रहे हैं, लीडिंग की लिस्ट से ज्यादा वो लिस्ट चौंका रही है जिसमें हारने वाले प्रत्याशियों के नाम है। छत्तीसगढ़ को लेकर भी यही जानकारी, शवेंद्र कर्मा चुनाव हार चुके हैं, शिवरतन शर्मा चुनाव हार चुके हैं, पीछे कौन चल रहा है, रविंद्र चौबे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में रविंद्र चौबे की सक्रियता अगर किसी को बतानी पड़े तो कोई मुझे लगता है कि शब्दों की कमी पड़ जाएगी, लेकिन रविंद्र चौबे वो भी पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि जयसिंह अग्रवाल वो भी वीआईपी के लिस्ट में आते हैं लेकिन चुनाव हार चुके हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो निश्चित तौर पर चौंका रही हैं। टीएस बाबा चुनाव हार चुके हैं, आप लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जनता। मुझे लगता है कि आज आपको जिम्मेदारी दी गई कि आप आज आपको सबको चौंकाना है। ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं और इतने बड़े बड़े जो नाम आपने लिए हैं वीआईपी सीट्स पर जो चुनाव लड़ रहे हैं ये सब पीछे चल रहे हैं। और टीएस सिंहदेव का तो रिजल्ट सुनने के बाद निश्चित रूप से उनके समर्थकों में एक निराशा होगी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी निराशा होगी, लेकिन अभी और कितना चौंकाने वाली है आप मेरे सामने आ रही है, उसमें रट का तमाम जो पूरा काफिला है हमारे योद्धाओं का वो भी निश्चित तौर पर हैरान है इस बात को लेकर। चूंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बहुमत स्पष्ट तौर पर हर राज्य में नजर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता जिन्हें ये माना जा रहा था कि सबसे अच्छी ज्यादा बहुमत के साथ सबसे लीड करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं लेकिन वही चुनाव हार रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी यही सिलसिला आप देखेंगे, टीएस बाबा आपने नहीं सोचा होगा निश्चित तौर पर कि चुनाव हार जाएंगे, और ऐसे ही तमाम लीडर्स जो कि लगातार इस रेस में आपको नजर आएंगे। ट्रेलिंग के इस लिस्ट में ताम्रध्वज साहू का भी नाम शामिल, शैलेश नितिन त्रिवेदी का भी नाम शामिल है, गुलाब कमरो जब चुनाव हार चुके हैं, मध्य प्रदेश की भी लिस्ट निश्चित तौर पर चौंकाने वाली, कमल पटेल का चुनाव हारना आप निश्चित तौर पर इसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कमल पटेल जैसा कद्दावर नेता इस बार ऐसा प्रदर्शन के बिल्कुल भी जनाधार स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब नहीं रहे। यशपाल सिंह सिसोदिया बहुत प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी के लिए ना सिर्फ नेता की तरह बल्कि प्रवक्ता की तरह मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में शायद कामयाब नहीं रह पाए। और ये एक लिस्ट जिसमें निश्चित तौर पर कुछ ऐसे नाम जिन्हें नहीं होना चाहिए था, गोविंद सिंह का हम जिक्र भी लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जिन पर भरोसा कम से कम पार्टी को था वो भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। आशीष बिल्कुल निश्चित रूप से, और ये जो जानकारी दे रही थी अवंतिका ऋतु, ये चौंकाने वाली बातें हैं जिसमें कि गुलाब कमरो जैसी नेता का हम जिक्र कर रहे हैं या फिर जिस तरह से यहाँ पर और नामों का जिक्र उन्होंने किया, बड़े बड़े नाम यहाँ पर है, मैं कई बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं एक बार ऋतु अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। हो गया मैंने पूरी बात बोली, पूरी बात ने टक्कर दिया था बीजेपी भी मानती है। नहीं नहीं बोली, पूरी पूरी बात बोली, पूरी बात पूरी बात बोली, आपको पूरी बात बोली। एक लास्ट सवाल है, नहीं नहीं पूरी बात, आप लोग इंडिया लंच की बैठक करने वाले हो, जी जी बीजेपी कह रही है कि आप लोग वन होने वाला है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे इंदौर से आप। हो गया, अभी तो निकला हूँ।
हम ये कह सकते हैं, शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आशीष, कि उदास नजर आ रहे हैं जीतू पटवारी, निराश भी हैं, कुछ नहीं कहना चाहते। उनका कहना है एनआई को कह दिया है, हम नहीं कहेंगे और कहने के लिए उनके पास अब कुछ नहीं है। शायद निराशा हाथ लगी है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाया था, या उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहें, दावा कर दिया था कि 130 से ऊपर सीटें हमारे पास आ रही है, कुछ भी करके आ रही है, आप ये मेरा वीडियो सेव करिए। 135 सीटें नहीं तो मुझे याद आता है वो जो हमने बातचीत की थी एग्जिट पोल के दिन, आपको याद होगा उस वक्त जीतू पटवारी जुड़े थे इसी मंच पर, राव विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे और अब वो हार चुके हैं और उस वक्त वो दावा कर रहे थे। वहां पर विश्वास सारंग भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उस पर हम बातचीत कर रहे थे और वो मुझे वीडियो भी याद आता है। बहरहाल वापस आते हैं, जो करेगा राम का काम उसका होगा राज तिलक। और ठीक, तो जश्न की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जश्न तो सुबह से ही हम देख रहे हैं, पर सबसे पहले हारने वाली टीम ने जश्न मनाया था, कांग्रेस ने सबसे पहले दिल्ली में जश्न मनाया था अवंती का, और मतलब पहले से ही जश्न मना ली गया जीत से पहले ही, अब निराशा हाथ लग रही है। देखिए यहाँ पर सवाल एक मेरा ये भी है, जिस तरह से करारी हार कांग्रेस को अभी उठानी पड़ी है, ये 2024 में बहुत भारी पड़ने वाली है। और सीधी बात, इंडिया गठबंधन की हम बात करें, उस पर पूरा इंपैक्ट डालेगी, जो सहयोगी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं अब किनारा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, INDIA वो गठबंधन तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी के हाथ से तो गया ही, साथ ही साथ नकुल नाथ का वो जिक्र भी हम लगातार कर रहे थे, जिसमें कह रहे थे कि 7 तारीख को पिताजी का शपथ ग्रहण समारोह है, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचेगा, आप कहाँ पहुंचना है अब उनसे पूछेंगे। अब एक और बड़ा अपडेट आपको दें, गोविंदपुरा से जिन प्रत्याशी का मैं नाम ले रही थी, कृष्णा गौर हैं, जो कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। आप देखिए इतना जनता का प्यार लुटा है। एक और बड़ा अपडेट रविन चौबे को लेकर, चुनाव हार गए, पहले पीछे चल रहे थे अब हार गए, गुरु रुद्र कुमार चुनाव हार चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण अपडेट, शविंद्र कर्मा वो भी चुनाव हार चुके हैं। कुमार, रविंद्र चौबे जैसे नाम आप बता रही है, टीएस सिंहदेव, जीतू पटवारी, ये वो चेहरे हैं ऋतु, जिन्हें की राजनीति में पार्टियों की पहचान कहा जाता है, लेकिन वो चुनाव हार गए, चाहे वो बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते हो या फिर बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के हो। और रिएक्शन भी आने लगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। मंत्री सीधा उनका रुख कर सकते हैं। अनुराग जी आपका अभिनंदन है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये जीत का सेहरा, ये जीत का टीका किसको? ये जीत खास है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है, मोदी मैजिक चला है देश में, एक ही गारंटी मोदी जी की गारंटी चल रही है। और जैसे पूरी दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व पर विकास है, वैसे तीनों राज्यों की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त करके बताया है डबल इंजन की सरकार ही चाहिए, क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी, जन जन के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए यही काम करते हैं। और मैं एक बात यहाँ पर और कहूँगा, जीत का सेहरा मोदी जी के सिर जाता है, क्योंकि मोदी जी का ही चेहरा था, मोदी जी पर ही जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी ने ही संकल्प लिया था कि इन राज्यों का कल्याण करेंगे और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का एक बहुत बड़ा लाभ, और मोदी जी का ईमानदार चेहरा का बहुत बड़ा लाभ भाजपा को मिला है जी। लेकिन दो चीजें बहुत अहम है, एक तो हिंदी पट्टी में कांग्रेस का सफाया हो गया है, और ये वो चुनाव था जिससे पहले सनातन को लेकर बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी अपशब्द की गए, और मीडिया को भी टारगेट किया गया, क्योंकि आप INB मिनिस्टर है। क्या आपको लगता है कि देश की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है कांग्रेस को और विपक्षी दलों को? घमंडिया गठबंधन का घमंड और अहंकार चूर चूर हुआ है, जिन्होंने तिरस्कार और बहिष्कार किया था मीडिया का, आज देखिए उनके लोग भी आपके चैनल पर नहीं आ पा रहे। जनता है सब जानती है, और मैं एक बात जरूर कहूंगा, इन्होंने जहां जहां झूठे वायदे और दावे किए वहां साफ हो गए। महादेव ऐप घोटाला किया, महादेव का श्राप कांग्रेस साफ। गोठान घोटाला किया, गौ माँ का श्राप कांग्रेस साफ। गंगा जल की झूठी सौगंध खाकर कहा था शराब मुक्त छत्तीसगढ़ करेंगे, माँ गंगा का श्राप कांग्रेस साहब। गरीबों को लूटा और झूठे वायदे किए, गरीबों का श्राप कांग्रेस साहब। तो कांग्रेस को मैं इतना ही कहूँगा, ये घमंडिया गठबंधन का घमंड तो टूट गया, अब इंडी गठबंधन के सामने ये स्पष्ट हो गया है जो हम उस समय भी कहते थे, ना नेता है, ना नीति है, और नीयत में भी खोट है। और पूरे चुनाव में आपने देखा होगा अमित जी, ना सुर था, ना ताल था, अपनी डफली अपना राग था, और इनका कहीं तालमेल नहीं था। आज दरकिनार करके बैठे हैं, जनता ने इनको नकार दिया है।
लेकिन हमने पहले सनातन का विरोध देखा, अब हम देख रहे हैं प्रवीण चक्रवर्ती है, कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट करा है नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात लाइन ले रहे हैं। क्या आपको लगता है साउथ में तेलंगाना में कांग्रेस की अच्छी जीत हो रही है, 70 सीटों वाली जीत हो रही है, बड़ी जीत हो रही है, लेकिन नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइड लेके आना क्या आपको लगता है वाजिब है अनुराग? अमीश, इसमें नया क्या है? कांग्रेस की शुरू से राजनीति वही रही जो अंग्रेज करके गए, बांटो और राज करो। ये जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटते रहे, क्षेत्र के नाम पर बांटते रहे, अब उत्तर और दक्षिण के नाम पर बांटेंगे। इनका काम ही बांटने का है, और हम सबका काम है, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, कि सबको जोड़ के चलना है। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और ये लोग ये जाति को लेकर आते हैं अपने घोषणा पत्र में, लेकिन जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। जनता विकास चाहती है, सुशासन चाहती है, और नरेंद्र मोदी जी ने ठीक कहा कि उनके लिए युवा, किसान, महिला और गरीब यही जातियां हैं, और उनके कल्याण के लिए मोदी जी ने लगातार काम किया है जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात करने का प्रयास हुआ है, ये हानिकारक है देश के लिए? क्योंकि साउथ हो, नॉर्थ हो, मध्य भारत हो, ईस्टर्न भारत हो, है तो पूरा देश ही। देखिए, ये जितना मर्जी प्रयास करें जी, जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र के नाम पे देश को बांटने का प्रयास करें, ये कांग्रेस करेगी बार बार, कुछ प्राप्त नहीं होगा। देश की जनता बहुत समझदार है, बहुत भली भांति जानती है कि क्या करना है। चलिए, आप जीत तो आप लोगों की आसान होगी, लेकिन मुख्यमंत्री को चुनना थोड़ा मुश्किल होगा तीनों राज्यों के अंदर। मध्य प्रदेश में तो क्या शिवराज जी आएंगे, राजस्थान में कौन ले किसको लाएंगे, छत्तीसगढ़ को लेकर तो अभी काफी सारी अटकलें लगाई जा रही है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बिल्कुल चिंता ना करें अमीश जी, ये जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, हमारे विधायकों पर, पार्टी के नेता पर छोड़ दीजिए। जनता की अपेक्षा के अनुसार ही हम लोग ऐसे मुख्यमंत्री बनाएंगे जो संकल्प जो लिया है उसको पूरा कर सके। एक सवाल, राहुल गांधी का मैजिक क्या आपको लगता है तेलंगाना में चल गया है, और भारत कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का ये जादू था जो कांग्रेस को 70 सीटें मिल रही हैं तेलंगाना में? अगर आप तेलंगाना में भी देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 7 से बढ़कर सीधा 15% पे हुआ जी। वातावरण तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने ही बीआरएस के खिलाफ खड़ा किया, उनके भ्रष्टाचार परिवारवाद को उजागर किया, बेनकाब किया। ये सच्चाई है कि हमारा वोट बैंक दुगने से ज़्यादा हुआ है, सीटें हमारी एक थी उससे बहुत बढ़कर कई गुना ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन जो बात आती है सरकार बनाने की, वो कहीं ना कहीं उस जो एक वैक्यूम था उसका लाभ कांग्रेस को मिला है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, अगर एक जीत वो देश को बांटने का रास्ता दिखा रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये जीत इसलिए नहीं कि आप देश को बांटने पे चल पड़ो जी। वर्ल्ड कप हुआ था हाल ही में, आपको याद होगा जी, 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 नहीं नहीं, अभी अगर आपको याद होगा, राहुल गांधी जी ने जब केरल से चुनाव जीता था तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि उत्तर के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, उनकी सोच सताई। टिप्पणी उन्होंने उस समय भी की थी, जिस अमेठी से वो कई वर्षों तक जीत कर आते रहे, उन्हीं को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया। और कितना नीचा दिखाओगे उत्तर को, और कितना नीचे दिखाओगे हिंदी भाषी लोगों को, और कितना नीचा दिखाओगे और देश को बांटने का प्रयास करोगे। ये बांटो और राज करो की राजनीति नहीं चलेगी। 2024 में 2019 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 24 को लेकर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे? आपको याद होगा 2004 से पहले 2003 में बीजेपी तीनों राज्य जीती थी, लेकिन 4 में अटल जी की सरकार चली गई थी। क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिख रहा? क्योंकि मैं कई नेताओं को, कई मंत्रियों को सुन चुका हूं कि अब की बार 400 हम पार करने जा रहे हैं, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, कहीं भारी ना पड़ जाए 24 में? हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, लड़ते हैं, जमीन पर मेहनत करते हैं, और चुनकर आने के बाद किए गए वायदों को पूरा करते हैं। ये कोई अहंकार नहीं, मैंने यही कहा कि 2024 की जीत और बड़ी हो, सुनिश्चित करने वाली हो। जनता क्योंकि डबल इंजन की सरकार चाहती है, इसीलिए राज्यों में बना दी है, अब केंद्र में भी बनाएगी। पिछली बार 2018 में इन 5 राज्यों में हम नहीं जीत पाए थे,
तो पिछले 5 वर्षों में जनता ने देखा कितना नुकसान हुआ, अब की बार जनता ने भरपाई कर दी है राज्यों में, 5 महीनों बाद केंद्र में भी रिकॉर्ड जीत दर्ज कराएगी और मोदी जी को नेता चुनकर देश को और आगे बढ़ाकर जो 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया, जिन्होंने 13 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, जिन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेरों योजनाएं चलाई, फिर एक बार मोदी सरकार जरूर बनाएगी। वन फाइनल क्वेश्चन, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और भारत उस मैच को हार गया था और राहुल गांधी ने उसके बाद कुछ बोला था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, क्या आपको लगता है क्या जनता ने एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है? देखिए, जितना कीचड़ कांग्रेस ने जब जब उछाला उतना कमल खिला है, मोदी जी पर जितने अपशब्द और जितने बाण फेंके हैं मोदी जी उतने निखर कर आए हैं। जनता इसको स्वीकार नहीं करती कि उनके द्वारा चुने गए नेता पर इतने घटिया शब्दों का प्रयोग किया जाए। आप गुजरात से लेकर देश के चुनाव तक कभी भी ले लीजिए, जब जब कांग्रेस ने हल्कापन दिखाया, निचले स्तर की राजनीति की अपशब्द बोले, तब तब जनता ने ही जवाब दिया, मोदी जी को कुछ नहीं कहना पड़ा। तो कांग्रेस जितना नीचे गिरेगी, जितने घटिया शब्दों का उपयोग करेगी, मोदी जी उतने ही निखर कर आएंगे, कमल उतना ही खिलता जाएगा। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से इस भव्य जीत के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी की 3 राज्यों में बंपर बहुमत के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। जिस तरह की जीत दर्ज की है बीजेपी ने, उस पर हर कहीं भगवामय माहौल हो गया है। लगातार ये महाकवरेज जारी रहेगी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मोदी की गारंटी।